वेलकम बैक। आज के शेड्यूल का हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम किस तरह बाइनांस में एड्स लगा सकते हैं। एड्स का मतलब ये है कि सपोज आप USDT बाय करना चाहते हैं या आप USDT सेल करना चाहते हैं, तो उसका एड्स आप किस तरीके से बाइनांस में लगा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने बाइनांस के अकाउंट को ओपन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पहले ओपन कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं मैं अपने बाइनांस के अकाउंट में आ चुका हूँ। बाइनांस पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मेन्यू हैं। तो आपने यहाँ पे बाय क्रिप्टो पे P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमारा जो टास्क है हम किस तरह यहाँ पर एड्स लगा सकते हैं P2P पे, अपनी USDT को सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, तो हम किस तरह करेंगे। आप यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट न्यू एड्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम एक न्यू विंडो में एंटर हो चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 सेट्स है, सेट टाइप एंड प्राइस, सेट टोटल अमाउंट एंड पेमेंट मेथड, और सेट रिमार्क्स एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। आपने जो चीज़ें ख़रीदनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ये है कि हमारे पास कि हम आई वॉन्ट टू बाई, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, और आई वॉन्ट टू सेल, मैं सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ एड्स बाई करने के लिए। तो यहाँ पर अपनी जो भी कॉइन ख़रीदना है जैसे कि USDT है, BTC है, BUSD एंड सो ऑन, हमें USDT चाहिए तो हम USDT पे क्लिक करेंगे, और इसके साथ हमारे जो करेंसी हैं वो PKR हैं, और इसके साथ यहाँ पर आप फिक्स प्राइस भी लगा सकते हैं, फ्लोट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्लोटिंग का कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि इतनी का मैं ख़रीदूँगा, अगर कोई भेजना चाहे तो 184 का। तो आप देख सकते हैं कि 184 का मैंने यहाँ पर एंटर कर दी है, और 0.1 का। आपने जब फ्लोट पे क्लिक कर दिया तो आपने इस तरह करना है, और अगर आपने फिक्स पे क्लिक करना है सपोज, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिक्स पे भी कर सकते हैं कि 184 पे मैं USDT बाय करूँगा अगर कोई सेल करना चाहे तो। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये हो गए हैं। यहाँ से आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं और यहाँ पर कर सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम सेकंड स्टेप में अब इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कि आप कितनी USDT ख़रीदना चाहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि 270 USDT मुझे चाहिए, 270। और यहाँ पर ऑर्डर लिमिट भी आप लगा सकते हैं कि इससे कम में नहीं सेंड करूँगा किसी को, जो भी USDT सेल करना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि 8000 से कम नहीं हो अगर कोई मुझे भेजना चाहे तो, और 15000 से ज़्यादा ना हो। और आप यहाँ से पेमेंट मेथड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। आप देख सकते हैं कि बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ट्रांसफ़र कर दिया, और दूसरा हम यहाँ पर टिलनोर का कर देंगे, इजी पैसा वगैरह का भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं इजी पैसा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमने दो मेथड सेलेक्ट कर दिए हैं। और आप यहाँ से इसकी टाइमिंग को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, 15 मिनट या इससे ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो मैंने दो मेथड ऐड कर दिए, इजी पैसा के ज़रिए भी कर सकता हूँ और इसके साथ साथ बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अभी क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और ऑप्शन, ये हमारे पास रिमार्क्स हैं कि आप उसको कुछ बताना चाहते हैं, ऑटो रिप्ले वगैरह। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है, कुछ लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो रिप्ले मैसेज, आप जब वो ऑर्डर लगाएगा तो उसको क्या मैसेज होगा, यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं ऑप्शनल, ताकि वो फिर आपको पेमेंट, आप उसको USDT सेंड करें, वो आपसे कॉन्टेक्ट करें। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कंडीशन भी लगा सकते हैं कि उसकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए, या उसके बाइनांस पे रजिस्टर हो कि कुछ दिन हो गए हों, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 डेज़ का, कि अगर उनसे मैं ख़रीदूँगा जिसका 30 डेज़ हो चुके हैं बाइनांस पे या उससे ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर 60 कर देता हूँ। जो भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी आपने ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन राइट नाउ, या बाद में आप उसको मैन्युअली करेंगे, तो मैं ऑनलाइन या भी करने चाहता हूँ, और मैं इसको चेक कर दूँगा।
और इसको आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑलरेडी हो गए हैं। तो अभी मैं पोस्ट कर देता हूँ, आप कंफर्म टू पोस्ट, यस हमने करना है। तो अभी हमारा जो एड्स हैं वो अब सक्सेसफुली पोस्ट किया गया है, पोस्ट हो चुका है। आप अपनी एड्स को फिर देख भी सकते हैं कि हमारा जो एड्स हैं वो किस तरह, आप यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे, माई एड्स पे जाके आप अपना एड्स देख भी सकते हैं। तो अभी हमारे पास आप देख सकते हैं हमारा जो एड नंबर है वो यहाँ पर शो हो रहा है, USDT। तो सर हमारे पास, अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं आप देख सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी करना कर सकते हैं। अगर इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कि हम किस तरह बाइंग करेंगे, एड्स लगाएंगे। ये जो प्रोसीजर है बाय करने का, यही प्रोसीजर सेल करने का भी है कि आप चाहते हैं कि कोई आपको सेल करे इस कीमत पे, आप उससे बाय करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ से आएंगे दोबारा, पोस्ट न्यू एड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा, आप देख सकते हैं हमारे पास उसी की तरह इंटरफेस में एंटर हो चुके हैं। अभी आई वॉन्ट टू सेल, मैं सेल करना चाहता हूँ किसी को कि इस प्राइस का। आप यहाँ से उसी तरह जो प्रोसीजर बाय करने का है वही प्रोसीजर सेल करने का भी है। तो आप यहाँ से फिर उसको एडिट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि हम किस तरह बाइनांस में एड्स लगा सकते हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।